हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फ्री फायर की आईडी दूसरे मोबाइल में कैसे लॉगिन करें। हाँ दोस्तों, आप भी जो अपनी आईडी है वो दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना चाहते हैं, दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, दूसरे मोबाइल में खोलना चाहते हैं, तो किस तरह से जो कर सकते हैं वो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। ओके दोस्तों, आपका आईडी है वो फेसबुक से बना हुआ है और आप दूसरे मोबाइल में जो है वो वाली आईडी है वो खोलना चाहते हैं, तो किस तरह से करना है वो आपको सारा कुछ बताऊँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते और आपको बताते हैं कि कैसे करना है। ओके, कई बार क्या होता है कि हम न्यू मोबाइल लेते हैं उसमें लॉगिन करना होता है, कई बार हमारे दोस्त के मोबाइल में लॉगिन करके खेलना होता है तो लॉगिन करना होता है। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाली वीडियो है ना वो आप सबसे पहले दिख पाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला आईडी है वो मैं दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो रॉकी भाई नाम है इस आईडी का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसी आईडी को मैं दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, दूसरे मोबाइल में फ्री फायर ओपन कर लूँगा। फ्री फायर होगा तो फ्री फायर ओपन कर लूँगा, फ्री फायर मैक्स होगा तो फ्री फायर मैक्स ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको लॉग आउट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी आईडी लॉगिन नहीं है। ओके, तो हमको आईडी लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। तो दोस्तों, बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बैक आ जाने के बाद आपको फेसबुक ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, आपको भी इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री लाइंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉग आउट का, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर आपको लॉग आउट कर देना है। ओके, लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग लेगा, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बताता हूँ। ओके गाइस, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा लॉगिन टू अदर अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको फेसबुक अकाउंट यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। ओके, वो वाला आपको फेसबुक अकाउंट यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों, आप जो है फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं, आप अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके फॉरगेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, वहाँ पर क्लिक करके फॉरगेट कर सकते हैं और न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन गाइस, मेरे को तो पता है कि फेसबुक का पासवर्ड क्या है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं तब तक वीडियो को कट कर देता हूँ लॉगिन करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर मैं लॉगिन के ऊपर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ मेरा फेसबुक अकाउंट, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक अकाउंट है, तो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो फ्री फायर ओपन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा साइन इन विद फेसबुक, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका जो है फेसबुक अकाउंट है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, आपका फ्री फायर आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख सकते हो, ओके, यहाँ पर जो है लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो रॉकी भाई वाला अकाउंट आ चुका है। टैप टू बैजिन के ऊपर क्लिक करते हैं। इस फोन में मैंने जो है बहुत बार अकाउंट लॉगिन किया है, इसी वाला मतलब ये वाला आईडी है वो मैंने बहुत बार लॉगिन कर लिया है, मतलब दो फोन में मैं ये वाला आईडी चलाता हूँ। तो गाइस, इस तरह से जो आप जो है फेसबुक अकाउंट मतलब आपका फेसबुक अकाउंट है और दूसरे मोबाइल में आप लॉगिन करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से फ्री फायर आईडी दूसरे मोबाइल में आप लॉगिन कर सकते हैं, इस तरह से दूसरे मोबाइल में खोल सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाली वीडियो है ना वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलो, अगले वीडियो मिलते हैं। तो गाइस, बाय बाय।